नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रवित चौधरी। और इस बुलेटिन में आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, डिटेल्ड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके अलावा तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी, ये सब कुछ होगा आपके लिए। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह कुछ खास खबरें पॉइंटर्स के जरिए आपके लिए। सबसे पहले बीजेपी से जुड़ी खबर है, बीजेपी की तिरंगा यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ से तिरंगा यात्रा के लिए पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और खास बात यह कि अमृतसर में कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और पूरे देश में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, 23 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। अब हम अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं पॉइंटर्स के जरिए, वो है हरियाणा से जुड़ी। आज हिसार को मिल सकती हैं कई बड़ी सौगातें। और आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, विकास रैली करेंगे और कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। हिसार में वो जनसभा भी करेंगे। तो ये खबरें हैं जिनको हम पूरा दिन ट्रैक करते रहेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, डिटेल्ड रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबर के साथ। पंजाब में 18 CPS की नियुक्ति खारिज हो चुकी है। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब की 18 CPS की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए उन्हें खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा में भी 4 संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पंजाब में 18 CPS की नियुक्ति को खारिज कर दिया। साल 2012 में पंजाब में CPS नियुक्ति को खारिज करने की मांग संबंधी 2 याचिकाओं को शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पंजाब के 18 CPS की नियुक्ति को खारिज कर दिया। फॉर द टाइम बीइंग ये जजमेंट 18 पे लागू होगी। 20 लोगों को हमने पार्टी बनाया था, जिनमें से 2 पहले ही छोड़ चुके हैं, हटाए जा चुके हैं, सरकार की तरफ से बदले जा चुके हैं। सो बाकी जो 18 हैं उनकी अपॉइंटमेंट तुरंत प्रभाव से अवैध डिक्लेयर कर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और दोनों पिटीशन अलाउ कर दी हैं। हरियाणा में भी 4 संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। इन नियुक्तियों को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 24 अगस्त को इस पर भी फैसला आ सकता है। किरण देने उन्हों का मैटर 24 अगस्त नू आ रहा, पंजाब वालों का भी हरियाणा वालों का भी, और जजमेंट 24 नू कोर्ट की इस नू इंप्लीमेंट कर दी है उन्हों सारे दे उत्ते, या स्टेट ऑफ हरियाणा या पंजाब दे उत्ते कोई टाइम लैंदी है, या इस जजमेंट नू पढ़न लई या अपनी सबमिशन रेज करन लई, ये बेंच दे उत्ते निर्भर है। CPS की नियुक्ति को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही हलचल हरियाणा में भी तेज हो गई है। लेकिन 18 नियुक्तियां जो हैं पंजाब में CPS की रद्द हो चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुना है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, छटकर। और इस बड़े फैसले के बाद यहां पर रिएक्शंस भी मिल रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। पंजाब के CPS की नियुक्तियों को रद्द करने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार ने कानून का उल्लंघन कर CPS की नियुक्ति की थी, तो अकाली दल ने फैसला पढ़ने के बाद चुनौती देने की तैयारी कर ली है। पंजाब के CPS पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद अब सरकार नए सिरे से किस तरह से रणनीति बनाएगी। उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उन्होंने फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला पढ़ा नहीं है, लेकिन अकाली दल के मुख्य सचिव HS बैंस का कहना है कि वो अदालत का फैसला पढ़ने और विचार करने के बाद इस मामले में कुछ कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है या नहीं। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें पहले ही पता था कि अदालत ऐसा ही फैसला सुनाएगी। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी CPS का पद बनाया था, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। केवल इतना ही नहीं, कैप्टन ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के CPS को भी हटाया जाएगा। चेंज नहीं किया, कानून चेंज करना पैदा मेरे भी CPS है, लेकिन असी कानून के मुताबिक किया, इन्होंने गैर कानूनी केजरीवाल का भी होएगा, तुम देख लेना उसे भी हटाओगे। हमेशा मानती हाँ कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उन्होंने हमेशा बहुत सुप्रीम
फैसला है, बड़े विचार तो बाद एक डिसीजन लिता गया होने, सो यू शुड ऑलवेज वेलकम दैट डिसीजन। सीपीएस को लेकर प्रदेश सरकार के पास फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में चुनाव का माहौल बना हुआ है, उस दौरान दिल्ली के सीपीएस के फैसले पर भी पंजाब की दोनों मुख्य पार्टियों अकाली दल और कांग्रेस की नजरें हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली के सीपीएस का फैसला भी पंजाब की तर्ज पर ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में सरकारी काम के लिए लोगों को अब 5 किलोमीटर के अंदर ही सुविधा मिलेगी अपने इलाके से। जी हां, शुक्रवार को प्रदेश भर में सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जालंधर में सेवा केंद्र की शुरुआत की। पंजाब में सेवा केंद्र खोलने की तैयारी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस कड़ी में सीएम बादल ने जालंधर के लंबा पिंड चौक पर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके तहत लोगों को सरकारी काम कराने के लिए 5 किलोमीटर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सेवा केंद्र शुरू हो गया है, इसके नाल जनता की कोई भी लोड हो, दूसरे दफ्तर जाने नालों सारिया सहूलतां। उधर आम आदमी पार्टी के रेडिकल से संबंध और सूबे में माहौल बिगाड़ने के लिए आईएसआई को जिम्मेदार ठहराने के सुखबीर बादल के दावे पर सीएम बयान देने से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि सुखबीर ही इन सवालों का बेहतर जवाब दे सकते हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि आईएसआई सूबे में माहौल बिगाड़ने की फिराक में है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने शंका जाहिर की थी। जालंधर से राजीव वधवा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के आम आदमी पार्टी पर विदेशी फंडिंग को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अकाली दल के बाद अब पंजाब कांग्रेस ने भी इसकी जांच करवाए जाने की मांग कर डाली है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के रेडिकल संगठनों के साथ संबंध हैं। इस बयान पर खुद आम आदमी पार्टी सुखबीर बादल को सबूत पेश करने की चुनौती दे चुकी है। वहीं पंजाब कांग्रेस के कैप्टन ने भी गुगली फेंक दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि रेडिकल गुटों के साथ संबंध होना गलत है और अगर सरकार के पास सबूत हैं तो मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि अमरिंदर सिंह इस मौके पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने से नहीं चुके। कैप्टन ने कहा कि अगर केजरीवाल पंजाब आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसी सीट से वो खुद भी चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह नवांशहर में हल्के विच कैप्टन के दौरान कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, नवांशहर। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव से संबंधित अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी भी इस मिशन में जुटी हैं और शुक्रवार को आशा कुमारी ने जालंधर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 2012 तक जालंधर हलके में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2012 में अकाली बीजेपी गठजोड़ ने यहां की 9 सीटों पर कब्जा कर लिया था। कांग्रेस ने अपने गढ़ को वापस जीवित करने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज आशा कुमारी ने पार्टी वर्करों के साथ मुलाकात की और कहा कि वो इसकी पड़ताल करने आए हैं कि आखिर क्यों 2012 में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगी थी। मैं इसलिए नहीं आई हूं कि मैं आपसे ज्यादा अकलमंद हूं, मैं इसलिए आई हूं कि मैं आपसे सीखना चाहती हूं कि क्या कारण रहा कि पिछले चुनाव में जालंधर से 9 सीटों में से हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। जालंधर फेरी के दौरान आशा कुमारी जालंधर के देहाती और शहरी नेताओं के साथ मिले और कांग्रेस की केंद्रीय टीम की तरफ से इस बार कांग्रेस के प्रचार के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, ये भी कहा। कांग्रेस की सीनियर नेता राजेंद्र कौर भट्टल और मनप्रीत बादल लोगों के साथ मिलकर मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं और पार्टी का प्रचार भी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह हल्के में कैप्टन मुहिम के जरिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राजीव वधवा, जी मीडिया, जालंधर। विदेशों में सिखों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी और साथ ही
सिखों की पहचान और परंपरा को दर्शाता एक ब्रोशर भी प्रकाशित किया जाएगा और इन ब्रोशर्स को विदेशों की सभी सरकारों और दूतावासों को भेजा जाएगा। विदेशी सरजमीं पर सिखों पर नस्ली हमले की खबरें आमतौर पर सुर्खियां बनती रही हैं और सिख समुदाय विदेशों में गलत पहचान का शिकार भी होता रहा है। सिख कौम के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी जिस संस्था पर है उसने अब चिंता जाहिर की है और जल्द ही कमेटी बनाकर सिखों की पहचान, परंपरा, मर्यादा और समाज में उनके योगदान के बारे में ब्रोशर प्रकाशित कर विदेशों की सभी असेंबलियों को भेजे जाएंगे ताकि दुनिया भर के देश सिख कौम की असल तस्वीर को पहचान सकें। सिख की परिभाषा बारे, सिख के करैक्टर बारे, सिख दियां परंपरावां बारे और सिखां दी मर्यादा बारे, सिखां दी पछाण बारे असी एक ब्रोचर तैयार किया है जिहड़ा असी दुनिया के तमाम कंट्रीज दियां जिहड़ियां अंबैसीज ने उन्हां नूं बहुत जल्दी असी उन्हां नूं मिल के उन्हां नूं पहुँचावांगे और ताकि वह साडी जिहड़ी वक्खरी होंद है उहदी उन्हां नूं पछाण हो सके। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को एसजीपीसी की तरफ से मौजूदा समय में प्रचार के लिए निभाई जा रही भूमिका नाकाफी नजर आ रही है और उनका कहना है कि एसजीपीसी को विदेशों में धर्म प्रचार की ओर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। प्रचार कमेटी जेडी अपने श्रोमणी कमेटी जाके उठे टेलीविजन राही वगैरह दसन के असी तालिबान नहीं है, असी वी आर नॉट आईएसआईएस, असी ता हैगे सिख जेडे उन्हें काम करने आए ने, उन्हें समझाने का काम एसजीपीसी लवे अपने हाथ च। विदेशों में सिखों और सिखों के धार्मिक गुरुधामों पर हमले की बढ़ती घटनाओं के ऊपर एसजीपीसी चिंतित है, लेकिन जरूरत है विश्व में सिख कौम के संदेश को ले जाने की। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। कश्मीर में सिखों की सुरक्षा के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और कश्मीर में रह रहे सिखों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। मुलाकात के दौरान अकाली सांसदों ने कश्मीर में सिखों की सुरक्षा को पुख्ता किए जाने का मसला उठाया। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल को कश्मीर जाने की मंजूरी दी जाए और इस संबंध में वहाँ की सरकार से बातचीत करके व्यवस्था की जाए, जिस पर राजनाथ सिंह ने उन्हें भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ऐसा प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने हमें कहा है कि वहाँ श्रोमणी अकाली दल के मेंबर्स पार्लियामेंट का डेलीगेशन कश्मीर में जाए और उसके लिए हमने माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया है कि वहाँ के डीजी को और वहाँ की सरकार को इन्फॉर्म कर दिया जाए तो हम वहाँ जाकर, क्योंकि कश्मीर हमारे पड़ोस में है, कश्मीर के लोगों के साथ हमारी दोस्ती है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कश्मीर में सिखों को अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। कश्मीर में सिखों को कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना तो उनको कोई मिनोरिटी कमीशन में उनको जगह दी गई है, ना उनको सर्विस सेक्टर में कोई पुलिस भर्ती में या जो एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज में कहीं भी नौकरियां नहीं दी गई। वहाँ लोगों में बहुत असंतोष है और जैसे पहले वहाँ से पंडित लोग निकल आए तो सिख भी मजबूर हो जाएंगे अगर उनको कोई विशेष सोशल सिक्योरिटी ना मिली। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद अकाली दल और शिरोमणि कमेटी का एक डेलीगेशन कश्मीर जाकर वहां पर रह रहे सिखों की सुध लेगा। 15 अगस्त तो बाद इतने 5-4 बंदे आवेंगे, फिर बह के सरकार भी, पार्टियां भी और मतलब शिरोमणि कमेटी भी आप की उन्होंने सहायता कर सकते हैं, वो बह के आराम ना सारी। इससे पहले एजीपीसी भी कश्मीर में सिखों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग कर चुकी है। दिल्ली से पंकज कुपाही, जलंधर से राजीव बद्वा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोहाली में पिछले 260 दिनों से जारी शिक्षा प्रोवाइडर्स यूनियन के धरने को अब आम आदमी पार्टी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी नेता हिम्मत सिंह शेरगिल ने धरना स्थल पर पहुंचकर शिक्षकों से मुलाकात की और इन्हें समर्थन का भरोसा दिया। मोहाली में अपनी नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर धरना दे रहे शिक्षा प्रोवाइडर यूनियन को अब आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। आम आदमी पार्टी के हिम्मत सिंह शेरगिल ने धरना स्थल पहुंचकर इन शिक्षकों से मुलाकात की और समर्थन का भरोसा दिया। वहीं यूनियन ने भी मांगे पूरी होने की स्थिति में
पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन करने की बात कही है। उस तो अगे असं ये गल करांगे कि जेकर आम आदमी पार्टी साड़ी इस मांग नूं पूरा करवाउण वास्ते साड़ी मदद करदी है ते अपने चोन मैनीफेस्टो दे विच साड़ी इह मंग लिखती तौर दे विच पाउंदी है ते असीं आउण वाले समें दे विच आम आदमी पार्टी दे नाल सहयोग करन दी गल स्टेट कमेटी दे नाल विचार करन तों बाद कर सकदे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता हिम्मत सिंह शेरगिल ने कहा कि वो शिक्षा प्रोवाइडर यूनियन के साथ हैं और उनकी मांग को पार्टी के मैनीफेस्टो में शामिल करेंगे। तो आम आदमी पार्टी की जी गवर्नमेंट वो प्रो पीपल होगी, प्रो आम आदमी होगी, सल्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट होगी। ये मांग पत्र लैके डेफिनेटली मैं सारी लीडरशिप ना इनू डिस्कस करूंगा ते असी तुहानू डेफिनेटली तुहाडे नाल। शिक्षा प्रोवाइडर यूनियन के सदस्य पिछले करीब 260 दिनों से मोहाली में नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। अब सवाल ये है कि क्या सियासी दांवपेच से इस मुद्दे का हल निकल पाएगा। रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। आईएनएलडी के हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को संसद में पूछा कि रक्षा मंत्रालय एयरक्राफ्ट क्रैश के मामलों को कम करने की दिशा में क्या कदम उठा रहा है। साथ ही उन्होंने पूछा कि पिछले 3 साल से अब तक कितने एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दुष्यंत के सवालों का जवाब दिया। 22 जुलाई को चेन्नई के ताम्बरम एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले वायुसेना के NN-32 विमान का कई दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस बीच इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने एयरक्राफ्ट क्रैश होने के मुद्दे से जुड़ा सवाल लोकसभा में उठाया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इनेलो सांसद ने पूछा कि सरकार एयरक्राफ्ट क्रैश में मरने वाले सैनिकों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं देती। किसी भी अफसर को या किसी भी कर्मचारी को जो हमारे फोर्सेस से इन एक्सीडेंट्स के अंदर जिनकी जान जाती है उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि क्या भारत सरकार कोई कदम उठाएगी, क्योंकि वो भी हमारे देश के सैनिक हैं, जवान हैं, अफसर हैं। दुष्यंत के सवाल का जवाब केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिया। उन्होंने बताया कि NN-32 को छोड़कर बीते 2 सालों के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश से जुड़े मामलों में किसी की जान नहीं गई है और ऐसे हादसों में नियमों और शर्तों के मुताबिक मृतक सैनिकों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। एयरफोर्स का जो क्रैश हुआ है, एयरफोर्स के क्रैशेस में पिछले 2 बरस एक भी लाइफ एक्सेप्ट AN-32 एक भी लाइफ वी हैव नॉट लॉस्ट एंड वी आर स्लोली गोइंग ऑन बेटर मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट टर्म्स रेफरेंस है उसके हिसाब से जो उसमें आ जाते हैं उनको बेनिफिट। आपको बता दें कि NN-32 में लापता हुए लोगों में रोहतक के पंकज और भिवानी की दीपिका भी शामिल हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिसार में 28 अगस्त को राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का स्वागत किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियों में जुटी समिति ने दावा किया कि ये समारोह ऐतिहासिक होगा। अट्ठाईस अगस्त को हिसार में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का 36 बिरादरी के लोग स्वागत करेंगे। डॉक्टर चंद्रा के स्वागत को लेकर हिसार में तैयारियां तेज हो गई हैं। हिसार के कई सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक और अन्य संगठनों ने मिलकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा स्वागत समिति बनाई है। समिति का दावा है कि सभी वर्ग के लोग राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का स्वागत करना चाहते हैं और डॉक्टर चंद्रा का ये स्वागत समारोह ऐतिहासिक होगा। राज्यसभा सदस्य बनने की खुशी के अंदर जनता की तरफ से, नगर वासियों की तरफ से भव्य नागरिक अभिनंदन 28 अगस्त को डॉक्टर सुभाष चंद्रा का पुराने गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड के अंदर किया जाएगा। शहर ही नहीं, अलग अलग गांवों के लोग भी राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सम्मान को लेकर उत्साहित हैं। डॉक्टर चंद्रा के राज्यसभा में पहुंचने पर लोगों को उम्मीद है कि हरियाणा और हिसार के मुद्दों को मजबूती मिलेगी। हम लोगों की तैयारियां 36 बरादरियों के बीच में चली हुई है। हम डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और हर आदमी आज के दिन उनका नाम सुनकर बड़ा उत्साहित है। जो लोगों की भावनाएं हैं, सभी 36 बिरादरी के लोग अपने प्रिय या नेता बन चुके हैं, क्योंकि राज्यसभा पहुंच गए तो उन लोगों की एक आशा है इनके ऊपर
कि एक इतना बड़ा आसमान को छूने वाला आदमी और हमारे हरियाणा प्रदेश को पूरे विश्व के पटल पर रखने वाला आदमी जब राज्यसभा गए हैं तो उनके अंदर सिर्फ सेवा भाव ही है। 28 अगस्त को हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का स्वागत होगा। गौरतलब है कि 11 जून को डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे और 3 अगस्त को उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार।